हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राइट करेंगे 1 to 50 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 10। बच्चों ठीक इसी तरह आपको नंबर्स बोलते जाना है और राइट करना है। 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20। अब नेक्स्ट देखते हैं। 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 13। अब नेक्स्ट देखते हैं। 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35 3 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 39 4 0 14। अब नेक्स्ट देखते हैं। 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 47 4 8 48 4 9 49 5 0 50। तो बच्चों इसी तरह आपको ये सब नंबर बोलते जाना है और राइट करना है और ये पेज कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिलिंग द गैप्स। ओके स्टार्ट करते हैं। 1 5 15। तो 1 5 15 के बाद क्या आएगा? 1 6 16। 1 6 16 के बाद क्या आएगा? 1 7 17। 1 7 17 के बाद क्या आएगा? 1 8 18। वो हमें राइट करना नहीं है, वो राइट है इसलिए हमें राइट करना नहीं है। 1 8 18 के बाद क्या आएगा? 1 9 19। 1 9 19 के बाद 2 0 20 2 0 20 के बाद 2 1 21 2 1 21 के बाद 2 2 22 2 2 22 के बाद 2 3 23। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लाइन 2 8 28 है। तो 2 8 28 के बाद क्या आएगा? 2 9 29 2 9 29 के बाद क्या आएगा? 3 0 30 3 0 30 के बाद 3 1 31 3 2 32 3 2 30 के बाद क्या आएगा? 3 3 33 3 3 33 के बाद क्या आएगा? 3 4 34 3 4 34 के बाद क्या आएगा? 3 5 35 3 5 35 के बाद क्या आएगा? 3 6 36। ये लाइन कंप्लीट हुई। इसी तरह आपको फिलिंग द गैप्स कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। 3 8 38 के बाद क्या आएगा? 3 9 39 3 9 39 के बाद क्या आएगा? 4 0 40 4 0 40 के बाद क्या आएगा? 4 1 41 4 1 41 के बाद 4 2 42 4 2 42 के बाद 4 3 43 4 3 43 के बाद क्या आएगा? 4 4 44 4 4 44 के बाद क्या आएगा? 4 5 45 4 5 45 के बाद क्या आएगा? 4 6 46। ये लाइन कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट लाइन देखेंगे। ओके 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 है इसलिए हमें राइट करना नहीं है। 5 के बाद क्या आएगा? 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 8 के बाद क्या आएगा? 9 9 के बाद क्या आएगा? 1 0 10 1 0 10 के बाद क्या आएगा? 1 1 11। तो बच्चों इसी तरह आपको फिलिंग द गैप्स कंप्लीट करने हो कंप्लीट करने हैं और ये पेज कंप्लीट करना है।